बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को आहद्रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था। वहाँ के लोग शेर का शिकार करने के लिए गड़ा खोदा करते थे और मुख्तलिफ तदबीरों से शेर को उस गड़े में गिरा कर उसका शिकार करते थे। एक दिन उन्होंने ऐसा ही एक गड़ा खोदा और शेर को उसमें गिरा लिया। आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए गड़े के इर्द गिर्द जमा हो और इतनी धक्कम पेल हुई कि एक आदमी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गड़े में गिरने लगा। गिरते गिरते उसने संभलने के लिए एक पास खड़े हुए आदमी का हाथ पकड़ा। उससे दूसरे आदमी के भी पांव उखड़ गए और वो भी गिरने लगा। उसने संभलने के लिए एक तीसरे आदमी का हाथ पकड़ा और तीसरे ने चौथे का। यहाँ तक के चारों गड़े में आ रहे। शेर अभी जिंदा था। उसने चारों को इतना जख्मी किया कि वहीं उनकी मौत वाकई हो गई। अब मरने वालों के रिश्तेदारों में झगड़ा शुरू हुआ कि उनका खून बहा कौन दे। गुफ्तगू में तेजी आ गई, यहाँ तक के तलवारें तक निकल आईं और खून रेजी होते होते बचे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने यह फैसला फरमाया कि उन चारों की दीद खून बहा गड़ा खोदने वाले पर है, लेकिन इस तरतीब से कि पहले को चौथाई दीद, दूसरे को तिहाई दीद, तीसरे को आधी दीद और चौथे को पूरी दीद मिलेगी। बाद में ये किस्सा आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्वीर फरमाई। अलामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि इस फैसले की वजह यह है कि चारों खता कत्ल हुए थे और गड़ा खोदने वाला उनकी दीद का जिम्मेदार था, लेकिन पहला शख्स मकतूल होने के साथ साथ तीन आदमियों को खींचने की वजह से उनका कातिल भी था। लिहाजा जो दीद उसको मिलती उसके तीन हिस्से मकतूल पर तकसीम होकर उसके लिए सिर्फ चौथाई हिस्सा बचा। इसी तरह दूसरा शख्स दो आदमियों का कातिल है, इसलिए उसकी दीद के दो तिहाई हिस्से उसके दो मकतूलों को और एक हिस्सा खुद उसको मिलेगा। तीसरा शख्स एक आदमी का कातिल था, उसके लिए आधी दीद उसके मकतूल की और आधी दीद खुद उसकी होगी, और चौथे ने किसी को नहीं खींचा इसलिए उसे पूरी दीद मिलेगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने खिलाफत में जब मुसलमानों ने समरकंद फतह कर लिया और मुसलमान वहां बस गए और अपने घर बना लिए और एक अरसा गुजर गया तो समरकंद वालों को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हमारे मुल्क को फतह कर लिया है। यानी ये कि सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, फिर जजिया की पेशकश करें और अगर वो भी मंजूर ना हो तो फिर मुकाबला करें। लिहाजा उन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में चंद लोगों को रवाना किया और उन्हें ये बताया कि आपकी फौज ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल किए बगैर समरकंद को फतह कर लिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने समरकंद के काजी को हुक्म दिया कि अदालत कायम करो, फिर अगर ये बात सही साबित हो जाए तो मुसलमान फौजों को हुक्म दें कि समरकंद छोड़कर बाहर खड़े हो जाएं, फिर उस सुन्नत पर अमल करें। चुनाचे काजी ने ऐसा ही किया, वो बात सही साबित हुई तो मुसलमानों ने समरकंद खाली कर दिया और शहर से बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वहाँ के बुत परस्तों ने मुसलमानों का ये अदल व इंसाफ देखा जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं, हम सब मुसलमान होते हैं। चुनाचे सारा का सारा समरकंद मुसलमान हो गया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।